इस टेनलाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ये जो शेयर है 106 ये जो लेवल है सुजोन एनर्जी, इसको एनालाइज करने से पहले कुछ बात आपको जानना होगा। कोई भी शेयर हो सकता है कि वो शेयर स्ट्रांग या वीक है, तो मेरा एनालिसिस से मुझे लगता है कि वो वीक शेयर में कोई स्ट्रांग पॉइंट मैं फाइंड आउट करता हूँ ना, वही मैं बोलता हूँ। अगर कोई स्ट्रांग शेयर में मेरा एनालिसिस से वहाँ पर वीक पॉइंट पाता हूँ ना, वही मैं बोलता हूँ वो शेयर गिरने वाला है या वो शेयर आप जाने वाला है। तो ये स्विट्जरलैंड शेयर में मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा है, चलो मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पर कोई भी शेयर को एनालाइज करने से पहले उसको फंडामेंटल्स और होल्डिंग्स एक बार देख लेता हूँ। चलो यहाँ पर स्विट्जरलैंड एनर्जी आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ इसका जो फंडामेंटल्स है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मार्केट कैप लगभग सही है, उसके साथ साथ पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, और डेट ऑफ इक्विटी अच्छा है। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, अगर ना है तो और भी अच्छा है। डेट ऑफ इक्विटी इस शेयर का बहुत ही अच्छा है, उसके साथ साथ इसका आरओई और ईपीएस ये देख के मुझे यहाँ पर लगता है कि किसी भी टाइम इस शेयर में एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर, तो अगर आपके पास ये शेयर है ना तो आप स्टॉप लॉस सेट करके चलना। उसके बाद मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ इसका होल्डिंग्स जो है, देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रिटर्न्स एंड अदर्स नंबर वन पोजीशन में, जो एक नेगेटिव साइन करता है किसी भी शेयर के लिए। किसी भी टाइम वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर एक नंबर पर होता अच्छा होता, मगर एक नंबर पर यहाँ पर रिटेलर्स एंड अदर्स है। फर्स्ट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अगस्त 2023 पे, यहाँ पर रिटेलर्स प्रोमोटर्स इसका फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो है यहाँ पर 66, 13 और 9, और उसके साथ साथ यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंक्रीज हो गया और यहाँ पर 66 से यहाँ पर रिटेलर्स डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके साथ साथ सभी धीरे धीरे पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है इस शेयर से। मैं यहाँ पर एक दो मंथ नहीं देखा, अगस्त 2023 एक साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मैं यहाँ पर देखा। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 66 था, उसके साथ साथ जून 56 हो गया, 10% पूरी तरह से डिक्रीज हो गया रिटेलर्स एंड अदर्स। तो किसी भी टाइम इस शेयर में एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मेरा एनालिसिस से। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर सुजन एनर्जी में टेक्निकल पैटर्न में मैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम का हिसाब से मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। ये जो शेयर है मगर इस टाइम सोलर एनर्जी का जो नेसेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, ये सारा कुछ नेगेटिव पॉइंट है फिर भी ये शेयर आप पर जा सकता है। यहाँ पर मैं फिर से देखने की कोशिश करता हूँ इस शेयर में जो वॉल्यूम है सीएल वाइज ग्रीन कैंडलस्टिक आप देख सकते हो, ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि ये शेयर नीचे आएगा, तो नीचे आया थोड़ा सा। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर फिर से सीएल वाइज ग्रीन कैंडलस्टिक आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि चलो अभी मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये जो सुजन एनर्जी है अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को प्रेजेंट किया। चलो मैं इसका जो वॉल्यूम है पूरी तरह से म्यूट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर प्रेजेंट किया। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये जो शेयर है 106 ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके स्टे होता है तो ही आप एक अपर सर्किट देख सकते हो इस शेयर के अंदर। अगर इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर पाया ना तो ये पूरी तरह से नीचे गिर सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको भी ब्रेक कर देता है ना तो आप यहाँ पर 50 लेवल पे आप एक डाउनफॉल देख सकते हो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ये जो शेयर है ये जो 106 इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक करके स्टे होता है तो ही आप एक अपर सर्किट देख सकते हो इस सुजलन एनर्जी शेयर। फंडामेंटल है, प्रोमोटर होल्डिंग है, जो वॉल्यूम है सारा कुछ नेगेटिव है, मगर फिर भी ये शेयर आगे जा सकता है क्योंकि इस टाइम सोलर एनर्जी का बहुत ही डिमांड है। तो इस डिमांड बेसिस इस शेयर में कुछ अलग हो सकता है। अगर ये 106 इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना तो ये पूरी तरह से अपर सर्किट लगा सकता है। अपर सर्किट आप देख सकते हो अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया इस ट्रेंड लाइन को
ये देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो आप 50 इसी लेवल पे एशिया पुतास से आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर सुजलन एनर्जी लेके फुल डिटेल्स प्रेजेंट करने की कोशिश किया। अगर आपके पास सुजलन एनर्जी शेयर है तो आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, थैंक यू।